टेंस क्यों लग रही हो? क्या हुआ? द्वी, मुझे ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मतलब एकदम नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आजाद भारत का ये आजाद दिन आप सभी को मुबारक हो। तो हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, पर सबसे बड़ा सरप्राइज जो इस साल सालों के बाद हमारे पास है, हमारे साथ है, जिन्हें हमने सालों से मिस किया, और वो हैं मेरे पापा और इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर चेतन छेरगिल। गिव हिम अ बिग हैंड गाइस। मिस्टर छेरगिल नहीं आई अभी तक। बच्चों के लिए इस साल हर साल की तरह बहुत सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हैं, और बड़ों के लिए डांस और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी के लिए बोनस की अनाउंसमेंट। थैंक यू गाइस, जय हिंद। महिमा दृष्टि नहीं आई, कहां रह गई वो? मैं यहाँ। आजाद देश के आजाद परिंदो, आज तो सबके सब उड़ जाओगे, आजाद हो जाओगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस उड़ने वालों। चलो हो गया, सारे मंजिलों पर मैंने बॉम्ब सजा दिए। और ये है सारे मंजिलों के बॉम्ब के वचन। मेरे सारे के सारे दुश्मन इसी बिल्डिंग में हैं। तो जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होगा सबके सब अपनी जान बचाने के लिए या वहां भागेंगे तितर बितर हो जाएंगे। पर वो जिस मंजिल पर भी जाएं, आखिरी मंजिल तो मौत की ही होगी, और मौत का बीप बजेगा इधर से। बटन दबाई और आवाज आई, वूम। सबकी जान मेरी मुट्ठी में। मनाओ मनाओ, आजादी का उत्सव मनाओ। इसके बाद तो सबकी मौत का उत्सव ही मनेगा। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, काल विजय रत्न की महाशक्ति मेरी होके रहेगी। दी डोंट वरी, काल विजय रत्नों से कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले और चाहे आपको कितने भी बुरे ख्याल आ जाए। आई प्रोमिस यू, ये महाशक्ति मैं उसे कभी नहीं लेने दूंगी। तुम लोग इतनी दूर खड़े रह के क्या बातें कर रहे हो, और यहाँ पे हो क्या रहा है? शिखर, कम ऑन यार, मुझे भी बताओ हो क्या रहा है यार। हम तुम्हें बताएंगे। I mean, sorry, मैं बताऊंगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है और क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? मतलब जब पिछली बार पिशाचिनी ने डमरू बजाया था तब उसने बताया था कि तीसरे रत्न के तीसरे लक्ष्य का संकेत है, सिर्फ और सिर्फ दृष्टि को मिलेगा। क्या? शिखर, इतनी बड़ी बात तुम हमें अब बता रहे हो? दी, तुम मेरी कंडीशन को जानती हो। पिशाचिनी ने सिर्फ मेरी बॉडी को नहीं, मेरे माइंड को भी कंट्रोल करके रखा है, और जब मेरा माइंड उसके कंट्रोल में, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ठीक है, दी को कोई भी दूसरा संकेत मिले, कोई भी क्यों मिले, हम तुम्हें क्यों बताएंगे? बताना पड़ेगा। दी, मैं एक्चुअली तुम दोनों की हेल्प करना चाहता हूं। तुम हेल्प करोगे? मैं जब से दैत्य वानर बनाऊ ना, मेरे पास बहुत पावर्स है, और उन पावर्स के जरिए मैं तुम दोनों की हेल्प करना चाहता हूं। एंडी, मैं हम दोनों के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। ठीक है, जो भी होता रहेगा हम तुम्हें बताते रहेंगे। ओके, ठीक है। दी, तुम दोनों नीचे इवेंट पे जाओ, मैं इस पे नजर रखता हूँ। रोमी, तू अपना ध्यान रख और शिखर का भी। चल। नजर रखता हूँ मैं, चाहूं तो तेरी नजरें अभी निकाल के तेरे हाथों में रख दूं, तो जानता नहीं मैं चीज क्या हूं। ये बच्चे जा रहे हैं अपनी गेम्स खेलने के लिए, और बहुत जल्द शुरू होने वाला है हमारा कल्चरल प्रोग्राम, the most awaited program of the year. आज बरसों बाद अपनी कंपनी के स्टेज पर खड़े होकर ऐसा लगा जैसे अपनी जड़ों में वापस आ गया हूं। मॉम, मैं भी आता हूं। हाँ बेटा। तुम फिर मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी मिसेस शेरगिल? रिलैक्स रक्षित, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? शिखर को देखने गई थी। तो मुझे बता कर जा सकती थी ना, मुझे बिना बताए क्यों गई? अरे उसमें बताने वाली कौन सी बात थी? थी,
बस बस करो, तुम दोनों ने कोई नई स्कीम निकाली है क्या कि आपस में बात करते रहोगे और मुझे बोलने का मौका नहीं दोगे? और मिस्टर शेगल, दिव्य ठीक ही तो कह रही है, मैं बस शिखर को चेक करने गई थी। मैं कैसे मान लूं कि तुम शिखर को चेक करने गई थी या फिर यहाँ से भी चेकआउट करने वाली थी, जैसे कल रात को तुम घर छोड़ कर जाने वाली थी? क्या कहा? आप घर छोड़ के जाने वाली थी और आपने मुझे बताया भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है दिव्य, तू गलत समझ रही है। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो देवी। हाँ, तुम्हारी इस बहन ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, मुझे पागल करके रखा। I swear दी, आपने इसे सोच भी कैसे लिया? हाँ, कैसे घर छोड़ के जा रही थी? हाँ, ये हाथ ना पकड़ के रहूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी। हाँ, मैं भी ये हाथ नहीं छोड़ूंगा। मामा से वादा किया था ना, हाथ नहीं छोड़ना है, आपने भी किया था बाय द वे। और आज एक वादा मैं भी करता हूँ मिस्टर शेरगिल, दुनिया के साथ समंदर में तबाही क्यों ना आ जाए, हमारी जिंदगी में पिशाचनी की वजह से तूफान ही क्यों ना आ जाए, जमीन फट जाए या आसमान जमीन पर आ जाए, मैं तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिव्या सुनो तो, मैं अभी आई, कहीं जा नहीं रही हूँ, साथ नहीं छोड़ रही हूँ, हाथ नहीं छोड़ रही, वापस आ रही तो यहीं पे रहना। कहाँ जा रही हो अब तुम? कहाँ ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर है। अच्छा, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आपकी नजरें चश्मे वाली नजरों से भी कमजोर हो जाएंगी और मैं आपको दिखूंगी नहीं, तो आप मुझे कैसे दिखेंगे? तब मैं तुम्हें सुनूंगा। मिस्टर शेगल, बुढ़ापे में ना कान भी जवाब दे जाते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें महसूस करूंगा। अच्छा, लेकिन बुढ़ापे में अगर आपकी याददाश्त चली गई और मैं आपके बाजू में ही रही और आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तब क्या करेंगे आप? वेरी स्मार्ट मिस्टर शेरगिल, तो फिर आज इस आजादी के दिन मैं तुम्हें भी एक आजादी देता हूँ। उस वक्त मेरे मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारना और मुझे सब याद दिला देना। शेगल, आप क्या कर रहे हैं? आसपास बच्चे हैं। हाँ तो मेरी बीवी है, और वैसे भी बच्चे नहीं हैं आसपास, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि सब प्ले जोन में गए। दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी। क्या बात है? चलो ना। मैं आई। शुरू होता है हमारा कल्चरल प्रोग्राम, तालियां। दिवी, दिवी क्या बात है, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है, कुछ हुआ क्या? हैप्पी रक्षाबंधन। राखी क्यों लाई है? राखी तो हमने घर पे बांधी थी ना। हाँ पता है, पता है, आपने स्टूपिड रोमी को राखी बांधी। दिवी तो रोमी के लिए ऐसे मत बोलना। अरे जो है वही बोलूंगी ना। दी, मेरा तो कोई भाई नहीं है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ, भाई वो होता है जब बहन कभी किसी प्रॉब्लम, किसी डेंजर, किसी मुसीबत में फंसी होती है तो उससे बचाता है। मैं जब जब किसी प्रॉब्लम में रही हूँ, हमेशा आप ही ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरी हेल्प की। मेरी बहन, मेरा भाई, दोनों आप ही तो हो, इसलिए मैं आपको राखी बांधूंगी। यू आर माई रक्षाबंधन, पकड़ो। एक मिनट, मेरे पास फूल नहीं है। मीठा 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 चॉकलेट्स नहीं मिल रहे मुझे। हैप्पी रक्षाबंधन, आई लव यू दी। जितनी रक्षा मैंने तेरी की है, उतनी रक्षा तूने भी तो मेरी की है। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे के लिए तो है ना? तो मैं भी राखी बांधूंगी। This is so cute. Happy रक्षाबंधन। एक मिनट रुक। रुक जा। ओह गॉड, चॉकलेट्स मुझे क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि तुम अंधी हो। हाफ हाफ। हम्म।
आज कुछ भी गलत नहीं होगा, वो पिशाचनी लाखों बार अपना सर पटक ले, हम उसे जीतने नहीं देंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हाथ मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी और मैं तुझे छोड़ने भी नहीं दूंगी। मम्मा से प्रॉमिस किया था मरते दम तक नहीं तोड़ूंगी, दुनिया छूटे तो छूटे पर तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, समझी?